अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू NBS फाइन कुकिंग। आज हम हमारी वीडियो में पत्ता गोभी आलू बनाने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पत्ता गोभी आलू बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट लिया है और आलू को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रख के उसमें थोड़ा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे और आलू भी डाल देंगे। फिर हम इसे अच्छे से हिला देंगे। पत्ता गोभी और आलू को अच्छे से तल लेंगे। गोभी तल चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्ची, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसमें थोड़ा करियापाक डालेंगे। करियापाक डालने से सालन में अच्छा टेस्ट और अच्छी स्मेल भी आती है। अब हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे। हम इसे अच्छे से हिलाकर इसमें थोड़ा पानी डाल के आलू को गलने के लिए रख देंगे। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढाप कर रख देंगे ताकि आलू गल जाए और पानी भी सूख जाएगा। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू भी गल गए हैं, पानी भी सूख चुका है। देखिए आलू अच्छे से गल चुके हैं और हमारा सालन अभी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये सालन आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं और ये सालन आप अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कोथमीर डालेंगे। सालन बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है हमारा पत्ता गोभी आलू। पत्ता गोभी आलू बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत जबरदस्त लग रहा है ये। होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।